महला तीजा मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुंभा देख ना भूल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इस दा मल दूजे लगे पच मुए मूरख अंध गवार विष्ठा अंदर कीट से पई पच है बारो बार नानक नाम रते से रंगुले गुर के सहज सुभाई भक्ति रंग न उतरे सहजे रहे समाई हे नाम विहीन मन मुख माया का रंग कुसुंभे के फूल जैसा सुंदर होता है तू उसे देख कर भूल मत जाना इसका रंग थोड़े दिन ही रहता है इसका मूल्य भी बहुत न्यून है जो व्यक्ति माया से प्रेम करते हैं वे मूर्ख ज्ञानहीन एवं गवार हैं वे माया के मोह में जल कर मरते हैं मरणों उपरांत वे विष्ठा के कीड़े बनते हैं जो पुनः पुनः जन्म लेकर विष्ठा में जलते रहते हैं हे नानक जो व्यक्ति सहज अवस्था में गुरु के प्रेम द्वारा प्रभु नाम में मग्न रहते हैं वे सदैव ही सुख भोगते हैं उनका भक्ति का प्रेम कभी नाश नहीं होता और वे सहज अवस्था में समाये रहते हैं पौड़ी सिसट उपाय सब तुद आपे रिजक सवाहिया इकबल छल करके खांब दे मुह कूड़ कुसत तिन्नी ढाया तुध आपे भावे सो करह तुध ओते कम ओई लिया इकना सच बुझायो तिन्ना असुट भंडार दिवाया हर चेत खह तिन्ना सफल है अचेता हथ तड़ाया हे ईश्वर तुमने समूची सृष्टि की रचना की है और स्वयं ही भोजन देकर सबका पालन करते हो कई प्राणी छल कपट करके भोजन खाते हैं और अपने मुख से वह झूठ एवं असत्यता व्यक्त करते हैं हे प्रभु जो तुम्हें भला प्रतीत होता है तुम वही करते हो और प्राणियों को अलग अलग कार्यों में लगाते हो और वह वही कुछ करते हैं कई प्राणियों को तुमने सत्य नाम की सूझ प्रदान की है और उनको गुरु द्वारा नाम के अमूल्य भंडार दिलवाए हैं जो प्राणी ईश्वर का स्मरण करके खाते हैं उनका खाना फलदायक है जो प्राणी ईश्वर को स्मरण नहीं करते वह दूसरे से मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाण है माया मोह सुआई दूजे भाई हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाई जिन जू पिंड दित्ता तिस कबहू न चेते जो देंदा रिजक सवाह जम का फाहा गलह न कटिए फिर आवे जाई मन मुख किछु न सूझे अंधुले पूरब लिखिया कमाई पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम बसे मन आई सुख माणह सुख पैनना सुखे सुख विहाई नानक सो नाउ मनह न विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाई माया मोह के स्वाद कारण पंडित वेदों को पढ़ पढ़ कर उनकी कथा करते हैं माया के प्रेम में मूरख मन ने भगवान जी के नाम को विस्मृत कर दिया है अतः उसे प्रभु के दरबार में अवश्य दंड मिलेगा जिस परमेश्वर ने मनुष्य को प्राण और शरीर दिया है उसे वह कदाचित स्मरण नहीं करता जो सबका भोजन देकर पालन कर रहा है मनमुख प्राणियों के गले यम पाश प्रतिदिन बना रहता है और वे सदैव जन्म मरण के बंधन में कष्ट सहन करते हैं ज्ञानहीन मनमुख इंसान कुछ भी नहीं समझता और वही कुछ करता है जो पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार लिखा है सौभाग्यवश जब सुखदाता सतगुरु जी मिलते हैं तो हरि नाम मन मुख के हृदय में निवास करने लगता है ऐसा व्यक्ति सुख ही भोगता है उसके लिए सुख ही वस्त्रों का पहनावा है और उसका समूचा जीवन सुख में ही व्यतीत होता है हे नानक
अपने हृदय में से उस नाम को विस्मृत मत करो जिसकी बदौलत सत्य के दरबार में शोभा प्राप्त होती है। महला तीजा, सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुणतास, गुरमति आप पछाणिया, राम नाम परगास, सच्चो सच कमावणा, बड़े आई बड़े पास, जू पिंड सब तिसका, सिफत करे अरदास, सच्चे शब्द सलहना, सुखे सुख निवास, जप तप संजम मन्नह मह, बिन नावे धृग जीवास, गुरमति नाउ पाइये, मन मुख मोह विनास, जू भावे तू राख तू, नानक तेरा दास। भगवान जी का सत्य नाम गुणों का खजाना है, जिसने सत गुरु की सेवा की है उसे सुख ही उपलब्ध हुआ है। जिस व्यक्ति ने गुरु की मति द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके हृदय में प्रभु नाम का प्रकाश हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य नाम का सिमरण करते हैं उन्हें भगवान से बड़ी शोभा मिलती है। मैं उस भगवान जी की महिमा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे प्राण एवं मेरा शरीर यह सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। यदि सत्य प्रभु की महिमा नाम द्वारा की जाए तो मनुष्य अनंत सुख भोगता है। मन द्वारा भगवान की महिमा करनी ही जप तप एवं संयम है। नाम वहीन मनुष्य का जीवन धिक्कार योग्य है। नाम गुरु की मति द्वारा ही मिलता है। माया के मोह में फंसकर मन मुख व्यक्ति का विनाश हो जाता है। हे जगत के स्वामी, जिस तरह तुझे अच्छा लगता है वैसे ही मेरी रक्षा करो, नानक तेरा सेवक है। पौड़ी, सबको तेरा तू सब सदा, तू सब नारास, सब तुद है पास है मंग दे, नित कर है अरदास, जिस तू देह तिस सब किछ मिले, इकना दूर है पास, तुद बांज है था को नहीं, जिस पास है मंगिए मन वेख है को निर्जास, सब तुद्धे नो सलह दे, दर गुरमुखानो परगास। हे प्रभु, सारे प्राणी तेरी संतान हैं और तुम सबके पिता हो, तुम हरेक प्राणी की पूंजी हो, सभी जीव प्रार्थना करके हमेशा तुझसे मांगते रहते हैं। हे प्रभु, जिस किसी को भी तुम देते हो वह सब कुछ पा लेता है। कई जीवों को तू कहीं दूर ही निवास करता लगता है और कई तुझे अपने पास ही निवास करते समझते हैं। तेरे अलावा कोई स्थान नहीं जिससे मांगा जाए। अपने मन में इसका निर्णय करके देख ले, हे प्रभु, सभी तेरी उपमा करते हैं। गुरुमुखों को तेरे दरबार पर तेरे प्रकाश के दर्शन होते हैं। श्लोक महला तीजा, पंडित पढ़ पढ़ ऊंचा कूकदा, माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चिन्ह है, मन मूर्ख गवार, दूजे भाई जगत प्रबोधदा, ना बुझे विचार, वृथा जन्म गवाया, मर जम्मे बारो बार। पंडित ग्रंथ पढ़ पढ़ कर उच्च स्वर में लोगों को सुनाता है, उसे तो माया मोह से ही प्रेम है। वह मूर्ख एवं गवार है जो अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा को नहीं पहचानता। वह माया मोह में मुग्ध हुआ जगत के लोगों को उपदेश देता है और ज्ञान को नहीं समझता। उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया है और वह बार बार जन्मता एवं मरता रहता है। महला तीजा, जिन्ने सतगुर सेविया तिन नाउ पाया, बुझ कर विचार, सदा शांत सुख मन बसे, चुके कूक पुकार, आपे नो आप खाई मन निर्मल होवे, गुर शब्दी विचार, नानक शब्द रते से मुक्त है, हर जिय हेत प्यार। विचार करके यह बात समझ लो कि जिन्होंने सतगुरु की सेवा की है उन्होंने ईश्वर के नाम को प्राप्त किया है। उनके चित्त में
सदैव सुख शांति का निवास होता है और उनके दुख विलाप शिकायत नष्ट हो जाते हैं। जब मन गुरु के शब्द को विचार कर अपने अह तत्व को स्वयं ही नष्ट कर देता है तो वह निर्मल हो जाता है। हे नानक, जो प्राणी हरि नाम में लीन रहते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और भगवान जी से उनका प्रेम हो जाता है।